एक्शन में महेंद्र मीणा और आरपी मीणा को ज्वाइन कराई कांग्रेस। अजमेर में भाजपा पर किए प्रहार, जनता का जताया आभार। बजरी को लेकर कांग्रेस का विधानसभा टी पॉइंट पर प्रदर्शन। कोटा में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के खिलाफ परिवाद दायर। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ने देशद्रोही का मामला दर्ज करने की मांग की। कोर्ट 20 फरवरी को करेगा मामले की सुनवाई। पाकिस्तान में अय्यर ने दिया था भारत विरोधी बयान। रॉक फॉस्फेट खान आवंटन मामले में 600 करोड़ के घोटाले में वेदांता को हाई झटका। हाईकोर्ट ने एसीबी को एक महीने में जांच पूरी करने के दिए आदेश। अधिवक्ता एके जैन की याचिका पर जस्टिस बीएल शर्मा ने दिया आदेश। प्रदेश में ठेकेदारों का मधुशालाओं से हुआ मोह भंग। शराब लाइसेंसियों के पीछे हटने से आबकारी विभाग को झटका। देसी शराब के 5,749 ग्रुप में से नहीं उठे 1,228 ग्रुप। अंग्रेजी शराब की 1,000 दुकानों में से नहीं उठी 20 दुकानें। नवीनीकरण के लिए 24 फरवरी तक मांगे आवेदन। कोटा के सांगो क्षेत्र में विधायक हीरालाल नागर का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे। लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृति की मांग। जोमेश्वर महादेव मंदिर में मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे विधायक। सवाईमाधोपुर के हथडोली में सरपंच रघुवीर मीणा की हत्या। अवैध खनन की शिकायत के बाद हमला। घटना पर खनन विभाग के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। पुलिस जुटी मामले की जांच। अजमेर में निराशा से हारी जिंदगी। पिता ने पहले विबंधित बेटी को खिलाया जहर, बाद में खुद ने की आत्महत्या। माउंट आबू में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुलाबी शहर में राजस्थान रॉयल्स की फिर वापसी। एसएमएस स्टेडियम में होंगे आईपीएल के 7 मुकाबले। जोर शोर से जारी तैयारियां। राजस्थानी क्रिकेटर भी दिखाएंगे दमखम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र की। विधानसभा में जनहित के मुद्दों की आज भी गूंज रही। प्रश्नकाल में अवैध बजरी खनन का मामला सदन में गूंजा। विधायक प्रहलाद गुंजल के सवाल को स्थगित करने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को दी राशि के लाखों के आंकड़ों को करोड़ों में बताने को लेकर गफलत भी हो गई। नदियों को जोड़ने की योजना और उज्ज्वला योजना को लेकर भी मामला छाया रहा। आज दिनभर की कार्रवाई पे ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासीय हॉस्टल में घटिया खरीद सामग्री में हुए भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी। धोद में भाजपा विधायक गोवर्धन वर्मा ने जब सीकर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवासीय छात्रावास खोलने की मांग की और कांग्रेस विधायक भजनलाल जाटव ने खरीद सामग्री में हुए भ्रष्टाचार का मामला उठाया और विभाग के मंत्री पर आरोप जड़ दिए। मंत्री अरुण चतुर्वेदी की उपस्थिति में नहीं आने के चलते उनकी जगह मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया। विभाग ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इस पर विपक्ष ने विभागीय अधिकारियों की ओर से घोटाला करने और उनसे ही जांच कराने को गलत करार दिया। उधर भामाशाह कार्ड की रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया और निजी अस्पताल प्रशासन के फ्री इलाज नहीं करने का मामला भी गूंजा। कोटा से भाजपा के विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि निजी अस्पताल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की आड़ में मरीजों के साथ मनमाना बर्ताव कर रहे हैं। मजबूरन महंगे दामों पर मरीजों को उपचार कराना पड़ रहा है। इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोटा जिले में 41 निजी अस्पतालों में 17,000 रोगियों को भामाशाह कार्ड के जरिए फायदा पहुंचाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जरूर माना कि 2 साल में प्राइवेट अस्पताल में भामाशाह कार्ड से निशुल्क उपचार की 55 शिकायतें मिली हैं। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो निजी चिकित्सालय हैं उनकी कुछ लापरवाहियां हैं जिनके चलते आज कई मरीज उस योजना से वंचित रह जाते हैं। उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। मंत्री जी ने कहा यदि इसमें कोई इस प्रकार की अनियमितता है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था क्योंकि जिस प्रावधान के तहत इसको थोड़ा जटिल बनाया गया उसके माध्यम से जो बेचारा मरीज है उसको 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी पड़ती हैं जिसमें उसके पास भामाशाह कार्ड भी हो। विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन विधायक रामहेत यादव ने विराटनगर, किशनगढ़ बास और पावटा में राजकीय कॉलेज का मामला उठाया। मंत्री किरण माहेश्वरी ने जवाब में कहा कि विराटनगर से शाहपुरा 25 किलोमीटर है, वहीं कन्या कॉलेज है। 30 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज ना हो तो प्राथमिकता देते हैं। विराटनगर और पावटा में कन्या सह शिक्षा कॉलेज है, फिर भी विचार कर लेंगे। किशनगढ़ बास को लेकर किरण माहेश्वरी ने कहा कि बीबी रानी कॉलेज किशनगढ़ बास के पास चलता है, फिर भी विधायक की मांग पर विचार करेंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही किसानों के कर्ज माफी के सवाल पर हंगामा हो गया।
विपक्ष ने कहा कि आज सहकारिता का दिन है और कल जो सवाल सहकारिता का बोल कर टाला गया था उस पर आज जवाब दो। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। विधायक ललित कुमार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का मामला सदन में उठाया। मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम जन कल्याण शिविर लगाए गए जिसमें 16 भू पट्टियों के आवेदन मिले। शिविर के दौरान 10 पट्टे जारी किए गए। वहीं कृपलानी ने कहा कि एम्पावर्ड कमेटी को पावर दिया है, 31 मार्च तक का समय है, जरूरत हुई तो समय और बढ़ा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चले दिनभर की कार्यवाही को लेकर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, दिनभर की कार्यवाही की बात की जाए तो संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आज सदन में गूंजे। देखिए बिल्कुल, और सबसे पहले हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी हैं, हम बात करेंगे उनसे, कृषि मंत्री हैं और आज दिनभर की कार्यवाही पर भी बात करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं उनके महकमे की ओर से आज हुई है। प्रभुलाल जी, सबसे पहले तो आपने जो अंदर सदन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, पहले उनकी बता दें संक्षेप में जानकर। देखिए आज प्रश्न काल के दौरान सबसे पहला जो प्रश्न था वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ बिलाड़ा के माननीय सदस्य ने उठाया था और उस प्रश्न के दौरान उन्होंने यूजीसी से सहायता की मांग की गई थी। प्रश्न के जवाब में हमने यह कहा कि यूजीसी से सहायता शिक्षा विभाग के उच्च बड़े जो कॉलेज होते हैं उनको दी जाती है, एग्रीकल्चर के जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज को अनुदान देने का प्रावधान आईसीआर के माध्यम से दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, या तीसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम लोग ऐसे विश्वविद्यालयों को सहायता देने का काम करते हैं। क्योंकि अभी तक 2014-15 से लेकर अभी 2016-17 तक की यदि हम बात करें तो 7,155.58 लाख रुपए की अब तक वित्तीय सहायता 3 वर्षों में जोधपुर विश्वविद्यालय को केवल भर्ती और विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी गई है और इसी प्रकार 999.27 लाख के लगभग की जो स्वीकृतियां हम लोगों ने 6 विज्ञान केंद्र उसके अधीनस्थ आते हैं उनको रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा आईसीआर के द्वारा भी उनको इसमें पैसा दिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि चूंकि कृषि में जो अध्ययनरत छात्राएं चाहे वो यूजी में हो चाहे पीजी में हो या वो किसी प्रकार की पीएचडी कर रही हो, ऐसी छात्राओं को भी नियमित रूप से एक्रेडिटेशन मिला या नहीं मिला, अब तक लगातार राज्य सरकार की तरफ से उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो हम लोग कंटिन्यू उसमें दिए जा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कहा गया था कि इन विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज की कमी है, पदों की कमी है, इनकी भर्ती की क्या कार्रवाई हो गई, तो मैं भर्ती के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि इन भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 178 ऐसे पद हैं जो शैक्षणिक भी हैं और तकनीकी भी हैं, इनकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को दे दी गई थी और शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया भी अभी वर्तमान में चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय का एक्रेडिटेशन शीघ्र उसको भारत सरकार के आईसीआर के द्वारा शीघ्र उसकी अनुमति, जो कमियां उन्होंने बताई थी लेबोरेटरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, प्रशासकीय भवन होना चाहिए, कॉलेज भवन होना चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं जो ही पूरी होगी निश्चित रूप से अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जोधपुर को भी एक्रेडिटेशन शीघ्र। एक प्रभुलाल जी बड़ा सवाल है, बजरी के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया सदन के अंदर से और एक बड़ा मुद्दा था कि ये प्रश्न जो लगा था वो स्थगित कर दिया गया, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आई इस पूरे मसले को लेकर? देखिए मैं समझता हूं कि अभी जो विपक्ष का जिस प्रकार का आचरण जो सदन में चल रहा है उनका मकसद मात्र सिर्फ बजट से जो बौखलाहट हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जो प्रस्तुत किया है उस बजट की बौखलाहट की वजह से कोई न कोई विषय कोई न कोई कारण लेके ये सदन से वॉकआउट करते हैं। स्थगित प्रश्न करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है और अध्यक्ष किसी भी विषय को या किसी भी प्रश्न को स्थगित करने की जो उसका अधिकार है उसका प्रयोग उन्होंने किया। ऐसा ही एक बार पहले भी जब इसी प्रकार सदन ने वॉकआउट तब किया था जब कर्जा मुक्ति के बारे में कर्जा ऋण माफ करने का जो प्रश्न लगा हुआ था, वैसे वो प्रश्न सहकारिता और कृषि के कारण से निरस्त हुआ था लेकिन हम लोगों ने उसको फिर 20 तारीख को लगा दिया गया है। इसी प्रकार आज इसको स्थगित किया, निरस्त नहीं किया गया है, इसको बहुत जल्दी हम लोग सदन के पटल पे लेके आएंगे और मैं आग्रह करना चाहूंगा विपक्ष को भी कि इस प्रकार छोटे छोटे मुद्दों को एक संसदीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए
सदन को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप सदन का मुख्य विषय नहीं होता है। बिल्कुल। और जिस तरह प्रभुलाल जी ने कहा और एक तरह से कहा जाए तो आज सदन की कार्रवाई जिस तरह से चली है वो काफी महत्वपूर्ण रही और विधायकों ने बजट के वाद विवाद के दौरान अपनी बात भी कही। यहाँ पर घनश्याम तिवाड़ी के आज भी तेवर तीखे देखने को मिले। वहीं प्रहलाद गुंजन ने सदन में संख्या बल को लेकर सदन की मर्यादाओं का ध्यान दिलाया तो बिल्कुल सदन में संख्या बल को लेकर टिप्पणी भी हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहां पर 5 कस्बों और 256 गांवों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई रतनगढ़ सुजानगढ़ वृहद पेयजल परियोजना को 30 जून 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा और क्षेत्र में पेयजल की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पीएचडी मंत्री सुरेंद्र गोयल ने विधानसभा में आज इसकी जानकारी दी है। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि रतनगढ़ सुजानगढ़ वृहद पेयजल योजना का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। पैकेज द्वितीय का कार्य 16 अगस्त 2016 तक पूरा करना था। इसका 94% कार्य अब तक हो चुका है और इसे 30 जून 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पैकेज प्रथम और द्वितीय के कार्य को निष्पादन करने वाली अनुबंधक परियोजना का कार्य धीमी गति से चल रहा है। पाइपलाइनों के बिछाने और जोड़ने के कार्य के लिए रेलवे लाइन नेशनल हाईवे क्रॉसिंग की अनुमति देरी से मिली है जिसके कारण परियोजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सका। इसके लिए कंपनियों की 13.93 और 2.75 करोड़ रुपए की राशि भी रोकी गई है। गोयल ने कहा कि सुजानगढ़ में 2014-15 में 76 ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए थे, उनमें से 71 पूरे कर लिए गए हैं। इनमें से 13 ट्यूबवेल भूजल स्तर कम होने से सूख गए हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि जालौर जिले की नर्मदा ईआर परियोजना का 48% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी कार्य अक्टूबर 2018 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जालौर जिले के भीनमाल शहर और 256 गांवों में नर्मदा नहर से जल आपूर्ति के आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए नर्मदा ईआर परियोजना का कार्य मेसर्स एसपीएमएल नई दिल्ली को ₹372.70 करोड़ लागत का आवंटित किया गया था जिसके तहत डेढ़वा गांव पर पंप हाउस और पालड़ी सोलंकिया पर 100 MLD क्षमता का फिल्टर प्लांट बनाकर रामसीन तक 144 किलोमीटर राइजिंग मैन मय 5 पंपिंग स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 48% कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी कार्य अक्टूबर 2018 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया जयपुर। वहीं दूसरी तरफ यमुना के पानी के लिए 1994 में हुए समझौते की बात सही, पानी का इंतजार कर रहे राजस्थान के लिए अब अच्छी खबर है। आज दिल्ली में हुई अपर यमुना रिवर फ्रंट की बैठक में राजस्थान को पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी इलाके के लिए पानी लाने को मंजूरी मिल चुकी है। गौरतलब है कि संबंध में बनी पीएफआर को कुछ वक्त पहले ही मंजूरी मिली है और आज बैठक में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को इस संबंध में डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेखर अग्रवाल शामिल हुए थे। जल संसाधन मंत्री डॉ रामप्रताप ने कहा कि राजस्थान ओखला और ताजेवाला हेड से पानी हासिल करने के दावे को सही पाया गया है और यह भी तय हुआ है कि दिव्या बनने के बाद उसे किसी एक्सटर्नल एडेड एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहीं बरसात के अलावा बाकी सीजन में राजस्थान को उत्तराखंड और हिमाचल में बनने वाले नए 3 बांधों से पानी दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रदेश के शेखावाटी इलाके के 3 जिलों सीकर चूरू और झुंझुनू को पानी मिल सकेगा। 2 गुना पानी जो यमुना में आएगा उससे राजस्थान को हरियाणा को भी काफी पानी मिलेगा, जो विवाद चल रहे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये 3 प्रोजेक्ट को वॉर फुटिंग पर जाने से हम राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो विवाद थे वो लगभग समाप्त हो जाएंगे और इसमें हाइड्रो पावर यहाँ 600 MW उत्तराखंड सरकार को मिलेगी, उसमें भी कोई विवाद नहीं है। ये 3 प्रोजेक्ट आज क्लियर हुए हैं। यमुना वाटर्स को हम लेने के लिए लंबे समय से हमारे कैरियर चैनल की प्रॉब्लम थी, वो आज सॉल्व हो गई। इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है कि 94 का एग्रीमेंट है और उस पर कैरियर चैनल को लेकर के आज 23 साल निकल गए। आज राजस्थान के पूरे राजस्थान के लिए विशेष तौर से झुंझुनू चूरू इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है।
और विधानसभा के प्रति विधायकों का मोह भंग हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को देखकर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रश्नकाल के बाद विधायकों की सदन में उपस्थिति को लेकर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। आज विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को विधायकों को संसदीय परंपराओं और महत्व के बारे में बताना पड़ा, जबकि मौजूदा सदन के विधायकों को यहां पहुंचे 4.5 साल का वक्त हो चुका है। विधायक प्रहलाद गुंजल ने विधायकों के संख्या बल को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए अनुचित करार दिया। चलिए खबरों का सिलसिला जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको जयपुर के बिरला सभागार लिए चलते हैं, यहां पर इंडियन नेवी का एक कार्यक्रम हो रहा है। चलिए जयपुर से खबर भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज जयपुर पहुंची। मुफ्ती जम्मू कश्मीर सरकार के राजकीय विमान से यहां पर पहुंची, किशनगढ़ रुकने के बाद वो जयपुर पहुंची हैं। जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर स्टेट प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो सीधे होटल रामबाग पैलेस पहुंची, जहां पर आज उनका रुकने का कार्यक्रम है। कल दोपहर 12 बजे वो राजकीय विमान से वापस जम्मू के लिए रवाना होंगे।
और इससे पहले आपको बता दें कि विशेष विमान से अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंची महबूबा मुफ्ती। एयरपोर्ट पर कलेक्टर गौरव गोयल ने बुके देकर सीएम की अगवानी की। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद उनका काफिला अजमेर पहुंचा, जहां पर अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी लगाई और जम्मू कश्मीर के हालातों पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की करम बना रहे और अमन चैन की दुआ मांगी। सुरक्षा घेरे में दरगाह जियारत के लिए ख्वाजा साहब के अस्ताना तक ले जाया गया। दरगाह परिसर में जौहर की नमाज का वक्त होने की वजह से महबूबा मुफ्ती को बुलंद दरवाजा से जन्नती गेट होते हुए दरबार में हजारी करवाई गई। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों के सवालों पर राजनीतिक बातचीत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अमन और चैन के साथ ही सलामती की दुआ के लिए आई हैं। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं।